Children, today's video is for students of class 7 and today we will study science from this book. Okay everyone, आज के हमरा साइंस पढ़बो ए बोइटा थे के आज हम लोग साइंस पढ़ेंगे इस बुक से. सो टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम चैप्टर नंबर 2 विच इज इन पेज नंबर 11. आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 से पढ़ना चालू करेंगे जो कि पेज नंबर 11 पे है. हमरा चैप्टर नंबर 2 दिए पढ़ा आरंभ करब जेटा कि ना पेज नंबर 12 है आज सॉरी 11 है आज. सो द नेम ऑफ द चैप्टर इज न्यूट्रिशन इन एनिमल्स. चैप्टर का नाम क्या है? न्यूट्रिशन इन एनिमल्स. सो लेट्स सी. Animal nutrition includes nutrient requirement, mode of intake of food and its utilization in the body. तो animal nutrition का मतलब ये जो definition है bold में mark किया हुआ है in page number 11. Page number 11 पे ये जो bold में लिखा हुआ है this thing. All you need to read is this thing from this page. That's it. এইটুকুনি জিনিস আপাতত এই পেজ দিয়ে পড়বে. And another thing you need to study from this page. That is the components of food such as carbohydrates are complex substances. These complex substances cannot be utilized as such. So they are broken down into simpler substances. The breakdown of complex component of food into simpler substances is called digestion. तो हम लोग जब complex खाने को simpler substances में टूटता है complex खाना उस process को हम लोग क्या कहते हैं? Digestion. You need to read this part also. After that, the mode of taking food, different ways of taking food, okay? Come to different ways of taking food. The mode of taking food into the body varies in different organisms. Bees and hummingbirds suck the nectar of the plants. Infants of humans and many other animals feed on mother's milk. Snakes like the python swallow the animal they prey upon. Some aquatic animals filter tiny food particles floating nearby and feed upon them. तो अलग अलग एनिमल अलग अलग चीज़ें खाते हैं. जैसे कि एक शेर उसको ज़्यादा खाना चाहिए लेकिन एक मधुमक्खी उसको बस थोड़ा बहुत ही खाना चाहिए. तो डिपेंड करता है कौन सा एनिमल कैसा खाना किस तरीके से खाता है. डिपेंड करे कौन एनिमल की खाबार कैमन करे खाए. यू डोंट हैव एक्टिविटीज इन योर एग्जाम. एक्टिविटी तो हमारे एग्जाम में नहीं. जस्ट लीव इट आउट. बस छोड़ दो वो. देन कम टू पेज नंबर 12 डाइजेशन इन ह्यूमंस. पेज नंबर 12 में डाइजेशन इन ह्यूमंस खोलो. सजना मैं तेरा सजना
मेरा दिल जिस दिल पे फिदा है, मेरा दिल जिस दिल पे फिदा है, एक बेवफा है, एक बेवफा है, एक बेवफा है। বলো দাদু ফোন করেছে, সব দোকান বন্ধ, গিরি গোপাল অন্য দোকান সব বন্ধ, শুধু ওষুধের দোকান খোলা আছে, কি করবে বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে। বলো তাহলে মিল্ক পাউডারটা আর ইয়েটা ওরিওটা নিয়ে আসতে। পাচ্ছে না তো মিল্ক পাউডার, পাচ্ছে না ওষুধের দোকানে, না তাহলে ছেড়ে দিতে বলো আর কি। আচ্ছা मेरा दिल जिस दिल पे फिदा है, मेरा दिल जिस दिल पे फिदा है, एक बेवफा है, एक बेवफा है, एक बेवफा है। So digestion in humans, we take in food through our mouth, digest and utilize it. The unseen parts of the food are defecated. Have you ever wondered what happens to the food inside the body? The food passes through the continuous canal which begins in the buccal cavity and ends to the anal. The canal can be divided into various parts. तो हम लोगों का पूरा इधर से एक पाइप चालू होता है जो कि हम लोगों का एकदम क्या कहते हैं, हम लोगों का एकदम एनस तक जाता है। मैंने हमारे गला दिए एक कैविटी चालू है, बकल कैविटी, जेटा कि ना पूरा एनस अवधि जाए। द बकल कैविटी, द फूड पाइप, बकल कैविटी मुंह होता है, फूड पाइप मतलब गले का नाली, बकल कैविटी मुंह, फूड पाइप माने खाद्य नाली। फूड पाइप को हम लोग एसोफेगस भी कहते हैं, ओ ई एस ओ पी एच ई जी यू एस, दिस इज नॉट ओ एसोफेगस, दिस इज एसोफेगस। देन इज स्टमक मतलब पेट, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड रेक्टम एंड एनस। ओके स्टूडेंट्स, एंड दीज पार्ट्स फॉर्म द एलिमेंटरी कनाल और द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो इन सब चीज़ों को एक संग मतलब पूरा डाइजेस्टिव चीज ऑर्गन्स को एक साथ क्या कहते हैं, एलिमेंटरी कनाल या फिर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। देन और ये पूरा हम लोगों का जो भी ऑर्गन है जो डाइजेस्ट करने में खाना मदद करता है उसको हम लोग सब एक संग क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। देन कम टू द माउथ एंड द बकल कैविटी। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे माउथ से।
food is taken into body through the mouth. The process of taking in food by the body is called ingestion. हम लोग जो खाना मुँह के अंदर जब लेते हैं उस प्रोसेस को ingestion कहा जाता है. We chew the food with the teeth and break it down mechanically into small pieces. Each tooth is rooted in a separate socket of gums. तो हम लोग ऊपर का gums में एक set of tooth है, नीचे का gums में एक set of tooth है. देन अगेन वी डोंट हैव द एक्टिविटी. हम लोग का टूथ अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग टीथ होता है हम लोगों के मुँह में स्टूडेंट्स. एंड दैट इज द थिंग. हम लोगों का अलग अलग खाना खाने के लिए अलग अलग चीज़ों के लिए हम लोगों के मुँह में अलग अलग तरीके का दांत होता है. देन डिरेक्टली कम टू पेज नंबर 14 बिकॉज यू डोंट हैव एक्टिविटीज इन योर एग्जाम. एक्टिविटी आप लोगों के एग्जाम में नहीं है. सो डिरेक्टली पेज नंबर 14 में आओ. पेज नंबर 14 में कम टू दिस पैराग्राफ. द टंग. द टंग जहाँ से चालू होता है. दिस पैराग्राफ. दिस थिंग. द टंग. कम टू ओवर हियर. द टंग यू कैन सी. सो कम टू दिस पैराग्राफ. द टंग इज द फ्लैशी मसल ऑर्गन दैट इज अटैच्ड at the back of the floor of the buccal cavity. It is free in the front and moved in all direction. तो जो टंग है वो क्या है, बकल कैविटी के साथ फिट किया हुआ है. वो हम लोग को टेस्ट करने में मदद करता है. देन डिरेक्टली कम टू फूड पाइप. तुम आप लोगों के पास मतलब एक्टिविटीज आर नॉट देयर इन योर एग्जाम्स. यू जस्ट नीड टू स्टडी डायग्राम नंबर 2.6. दैट इज इम्पॉर्टेंट. एक्टिविटी तुम्हारे एग्जाम में नहीं. कम टू द फूड पाइप दैट इज एसोफेगस. द शैलोड फूड पासिस इन टू द फूड पाइप और एसोफेगस. लुक एट द पिक्चर. जो खाना होता है वो एसोफेगस मतलब फूड पाइप मैंने खाद्य नाली तक जाए. एसोफेगस से वो पेट में जाता है मतलब स्टमक में जाता है. एसोफेगस तक पेटे जाए मैंने स्टमक के जाए. देन डिरेक्टली कम टू पेज नंबर 16. द स्टमक. कम टू पेज नंबर 15. द स्टमक. स्टमक मतलब पेट. हम लोग सबको ये बात पता है स्टमक माने पेट. एक कथाटा हमरा किंतु प्रत्येके ही जाने. द स्टमक इज अ थिक वॉल्ड बैग. इट्स लाइक अ शेप ऑफ अ फ्लैटेंड जे एंड इट इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंटरी कनाल. इट रिसीव्स फूड फ्रॉम द फूड पाइप एट वन एंड एंड ओपन इन टू द स्मॉल इंटेस्टाइन एट अदर. द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक स्ट्रेचेस म्यूकस हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस. The mucus protects the lining of the stomach. The acid kills many bacteria and enters along with the food and makes the medium in the stomach acid and helps to digest the food. तो हम लोग के पेट के अंदर खाना डाइजेस्ट हो जाता है. खावट्टा अंदर पेटर में तो डाइजेस्ट हो जाए. The digestive juices break down the proteins into simpler substances. तो जो खाना होता है उसको simpler substances में break down उसका पेट के अंदर होता है. किसके द्वारा? Proteins के द्वारा. सॉरी डाइजेस्टिव जूसेस के द्वारा. मैंने डाइजेस्टिव जूसगुलो हमारे खबरगुलों के सिंपल सब्सटेंसेस है टर्न कर दें. देन कम टू द स्मॉल इंटेस्टाइन. द लिवर इज द रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन द राइट साइड. इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी. हम लोग का बॉडी का सबसे लार्ज ग्लैंड क्या है? लिवर. हमारे बॉडी तेल सब तक बड़ो ग्लैंड हो लिवर. इट्स सीक्रीट्स बाइल जूस which is stored and is called the gallbladder. तो gallbladder बोल के एक organ है जिसके अंदर जो bile होता है वो bile juice stored होता है. तो फिर क्या हुआ? The bile plays an important role in the digestion of fats. तो fat digest करने में bile का बहुत मतलब मदद लगता है. bile के द्वारा ही जो fat है वो digest होता है. bile के द्वारा ही fat सब मैंने digest है. देन इज अब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. फिर अब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन में आओ सब लोग. पेज नंबर 17. द डाइजेस्टेड फूड कैन पास इन टू द ब्लड वेसल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. प्रोसेस इज कॉल्ड द अब्जॉर्प्शन. जो डाइजेस्टेड ब्लड रहता है फूड रहता है वो ब्लड वेसल्स के अंदर चला जाता है, अब्जॉर्ब हो जाता है. उस प्रोसेस को अब्जॉर्प्शन कहते हैं. द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउटथ्रोस कॉल्ड द विली. इनको विली कहा जाता है. Then go to the next paragraph that is the proteins required by the body. This is called assimilation. तो ये assimilation का definition है. Just read this part. This is not at all important. You will just have to learn the definitions and question and answers will also be given to you.
The large intestine is wider and shorter than the small intestine. It is about 1.5 meter in length. It functions to absorb water from salts and undigested food material. The remaining waste passes into the rectum and remains there as semi-solid feces. The feces matter are removed through the anus from time to time and are called ejection. तो ये इजेशन का डेफिनेशन है. इजेशन मीन्स थ्रोइंग आउट द अनडाइजेस्टेड फूड आउट ऑफ द एनस. देन इज डाइजेशन ऑफ ग्रास ईटिंग एनिमल्स. ग्रास ईटिंग एनिमल्स अपना खाना डाइजेस्ट कैसे करते हैं, दिस इज इम्पॉर्टेंट. हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड काउज, बफेलोज एंड अदर ग्रास ईटिंग एनिमल्स च्यूइंग कंटिन्यूअसली इवन वेन दे आर नॉट ईटिंग? एक्चुअली दे क्विकली स्वॉलो द ग्रास एंड स्टोर इट इन द पार्ट ऑफ द स्टमक कॉल्ड रामेन. तो वो लोग क्या कहते हैं, खाना लेते हैं मुँह के अंदर, लेके पेट के अंदर एक जगह में स्टोर करके रख देते हैं, उस जगह का नाम है रामेन. हियर द फूड गेट्स पार्शियली डाइजेस्टेड एंड आर कॉल्ड कर्ड. तो इधर खाना आधा डाइजेस्ट हो जाता है और इसको कर्ड कहा जाता है. बट द लेटर कर्ड रिटर्न्स टू द माउथ एंड स्मॉल लम्ब्स ऑफ एनिमल्स च्यूज इट. तो जब उन लोगों को भूख लगता है, वो जो बाकी का उन लोगों का जो कर्ड होता है, जो खाना अनडाइजेस्टेड रहता है, वो मुंह में वापस आ जाता है और वो लोग वो वापस से च्यू करने लगते हैं. द प्रोसेस इज कॉल्ड रमिनेशन. इस प्रोसेस को रमिनेशन कहते हैं एंड दीज एनिमल्स आर कॉल्ड रमिनेंट्स. और इन एनिमल्स को रमिनेंट्स कहा जाता है. द ग्रास इज रिच इन सेल्यूलोज, अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट. इन ग्रासेस में सेल्यूलोज बहुत ज्यादा होता है, वो एक टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट है. द रमिनेंट्स लाइक कैटल, डियर एक्सेट्रा बैक्टीरिया इज प्रेजेंट इन रामेन हेल्प्स द डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज. मैनी एनिमल्स इंक्लूड ह्यूमन्स कैन नॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोज. हम लोग भी सेल्यूलोज डाइजेस्ट नहीं कर पाते, ह्यूमन्स रहो सेल्यूलोज किंतु डाइजेस्ट करते पारे ना. देन इज फीडिंग इन डाइजेशन इन अमीबा. तो अमीबा कैसे खाना खाता है? अमीबा इज अ माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म. तो अमीबा एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है. अमीबा हो चला एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म. अमीबा हैज सेल मेम्ब्रेन अराउंड द डेंस न्यूक्लियस एंड मेनी स्मॉल बबल लाइक वैक्यूल्स इन द साइटोप्लाज्म. अमीबा कॉन्स्टेंटली चेंजेस द शेप ऑफ द पोजिशन, पुशेज ऑन टू वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड स्यूडोपोडिया. तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन उनमें जो होता है उन लोगों को स्यूडोपोडिया कहा जाता है. सो स्टूडेंट्स रेस्ट, यू कैन जस्ट रीड इट अप, दिस इज नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट. बाकी का जो पार्ट है यू कैन जस्ट रीड इट अप, एकदम इम्पॉर्टेंट नहीं है. आप लोगों को जो क्वेश्चन आंसर्स आएगा दैट इज द थिंग यू हैव टू लर्न बाई हार्ट. क्वेश्चन आंसर्स जगह तुम्हारा पा ओगुलो तुम्हारे मन थे भलो कर मुखस्त करते हैं, ओखने ही तुम्हारा सब किच्छू पे जा. एंड अदर दैन दैट रीड द चैप्टर थरोली. तुम लोग पूरा चैप्टर रीड करोगे. रीड करने के बाद इफ़ यू हैव गॉट एनी काइंड ऑफ फर्दर डाउट्स टू आस्क इन द क्लास ग्रुप. थैंक यू.